दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों शादीशुदा औरत भूल से ऐसा सिंदूर ना लगाए पति बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों धार्मिक परंपराओं के अनुसार शादीशुदा महिलाओं के लिए सिंदूर लगाने का काफी महत्व है, क्योंकि सिंदूर एक सुहागन औरत की निशानी मानी जाती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए सिंदूर लगाती हैं, लेकिन कई महिलाएं सिंदूर लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठती हैं। दोस्तों भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर आप गलत तरीके से सिंदूर लगाती हैं तो इसका सीधा असर आपके पति के भाग्य पर पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सिंदूर हमेशा सही तरीके से ही लगाना चाहिए, नहीं तो इसका असर आपके शादीशुदा जिंदगी पर भी हो सकता है, यहां तक कि आपका पति बर्बाद भी हो सकता है। तो दोस्तों बहरहाल आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी तरह से समझना। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और रोजाना इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। पहला पॉइंट, मांग में सिंदूर ना छिपाएं। आजकल के फैशन के दौर में अक्सर महिलाएं अपना सिंदूर मांग में छिपा लेती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक शादीशुदा महिला के लिए मांग में सिंदूर छिपाना अच्छी आदत नहीं होती है, इसका बुरा असर उसके पति पर पड़ सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि एक सुहागन स्त्री के मांग में सिंदूर दिखाई देना चाहिए। कहा गया है कि सिंदूर छिपाने से पति के मान सम्मान में कमी होती है। दूसरा पॉइंट, सिंदूर छोटा ना लगाएं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, यही नहीं पति को हर जगह इज्जत मिलती है। लिहाजा शादीशुदा महिलाओं को मांग में कभी भी छोटा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है, नाक की सीध में लगाएं सिंदूर। जी हां दोस्तों, सुहागन स्त्रियों को नाक की सीध में सिंदूर लगाना चाहिए। टेढ़े मेढ़े सिंदूर लगाने से पति के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं और पति के भाग्य में कमी आती है। अगर कोई शादीशुदा महिला टेढ़ी मेढ़ा सिंदूर लगाती है तो उसके पति हमेशा कोई ना कोई परेशानी में गिरे रहते हैं। खैर, अगर आप अपने पति की भलाई चाहती हैं तो एक सीध में ही सिंदूर लगाएं। दोस्तों अगला पॉइंट है, हर रोज लगाएं सिंदूर। वर्किंग महिलाएं अपने काम काज में व्यस्त होने के कारण कई बार मांग पर सिंदूर नहीं लगा पाती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप हर रोज सिंदूर लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी में प्यार बढ़ता है, लिहाजा हर रोज सिंदूर जरूर लगाएं। अगला पॉइंट है, बिना नहाए सिंदूर ना लगाएं। शादीशुदा महिलाएं हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी सिंदूर बिना नहाए ना लगाएं। इसके अलावा अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला के साथ शेयर ना करें। शास्त्रों में कहा जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार बढ़ जाता है। दोस्तों अगला पॉइंट है, गिरा हुआ सिंदूर ना लगाएं। कई दफा होता है कि सिंदूर लगाते समय डिब्बी हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में कई महिलाएं उस सिंदूर को वापस उठाकर डिब्बी में भर देती हैं और उसे लगाना शुरू कर देती हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिंदूर लगाने से अपशगुन होता है। माना जाता है कि अगर सिंदूर एक बार नीचे गिर जाए तो वो अपवित्र हो जाता है, लिहाजा उस सिंदूर से अपनी मांग नहीं भरना चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, कभी कभी पति के हाथ से भी सिंदूर लगवाएं। शादीशुदा महिलाएं कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम एक बार अपने पति के हाथ से मांग भरवाएं, क्योंकि आप सिंदूर अपने पति के लिए ही लगाती हैं। आमतौर पर पति सिर्फ शादी के दिन ही
पत्नी की मांग भरता है और शादी के बाद महिलाएं अपने हाथ से ही सिंदूर लगाती हैं, जबकि शास्त्रों और चाणक्य नीति के अनुसार कभी कभी पति के हाथ से भी सिंदूर लगवाना चाहिए। ऐसा करने से आपका और आपके पति का भाग्य खुल जाएगा और मेरा यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार आप मालामाल भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए स्टे मोटिवेट, स्टे फियरलेस। धन्यवाद।